डायबिटीज़ एक कंडीशन है जिसमें कई कोमॉर्बिडिटीज़ एसोसिएटेड रहती हैं। एक कोमॉर्बिडिटी है जिस पर ज़्यादा ध्यान नहीं गया है, एक जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों की जो कमजोरी रहती है, और दूसरा है हाइपोगोनेडिज्म, जो हॉर्मोन्स की कमी रहती हैं सेक्स से संबंधित। लेडीज़ में कहते हैं मीनोपॉज होता है, एकदम से पीरियड आना बंद होते हैं और तेज़ी से फीमेल हार्मोन की कमी आती है। परंतु जेंट्स में ऐसा कोई मीनोपॉज जैसा इक्विवेलेंट इवेंट नहीं होता है, उनमें एंड्रोपॉज नाम की कोई कंडीशन नहीं रहती है, हार्मोन्स एकदम से कम नहीं होते हैं। 40 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे हार्मोन कम होते हैं, उसमें लक्षण आते हैं। यह प्रक्रिया ओबीज इंडिविजुअल्स में, जिनमें प्री डायबिटीज़ और नॉर्मल और डायबिटीज़ के बीच की स्टेज और फ्रैंक डायबिटीज़ हो, चाहे वो कंट्रोल हो या एडिक्वेटली या पुअरली, उनमें हॉर्मोन्स की कमी ज़्यादा कॉमन है उन बनिस्बत उनके जिनको डायबिटीज़ या ओबेसिटी या प्री डायबिटीज़ नहीं है। इसकी अवेयरनेस बढ़ रही है पर अभी भी रिक्विजिट लेवल पे नहीं पहुँचती हैं। इसके बारे में जानकारी रखना चाहिए। जिनको वीकनेस लगती है, कमजोरी लगती है, अर्ली मॉर्निंग इरेक्शंस की कमी रहती हैं, सेक्सुअल डिज़ायर की कमी रहती है, या प्री मेच्योर इजेकुलेशन या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या है, और 40 साल से अधिक उम्र की आयु पार कर चुके हैं, उनको अपने चिकित्सक से, अपने डॉक्टर से निसंकोच होकर अपनी समस्या के बारे में जानकारी शेयर करना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर टेस्ट करा के उसका उचित उपचार करना चाहिए। मेल हार्मोन की कमी के कारण न केवल सेक्सुअल फंक्शन प्रभावित होता है, उससे मसल वीकनेस आती है, बोन वीकनेस आती है, मेंटल फंक्शंस डिस्टर्ब होते हैं। इन सब चीज़ों से निजात मिल सकती है यदि समय रहते हुए उसको डायग्नोस किया जाए और उचित उपचार लिया जाए। उसका न केवल सेक्सुअल हेल्थ पे इम्प्रूवमेंट आएगा बल्कि मेटाबॉलिक हेल्थ पे भी इम्प्रूवमेंट आएगा। और यह एक फील्ड है जिसके बारे में अब अवेयरनेस बढ़ रही है, पर वो अभी भी झिझक है पेशेंट्स को, डॉक्टर्स को झिझक है डायरेक्टली पूछने में, पर्टिकुलरली क्राउडेड ओपीडीज में। यह अवेयरनेस बढ़ेगी और ज़्यादा डिस्कशन होगा इस समस्या पे, तो यह होपफुली जल्दी डायग्नोज होगी और एडिक्वेटली और अप्रोप्रिएटली मैनेज होगी।